विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के इस टॉपिक में आज हम इनके जीवन परिचय, इनके अहिंसा और सत्याग्रह संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख नेता थे। विश्व को अहिंसा का उन्होंने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, वह एक मिसाल के रूप में युगों युगों तक सदैव गांधी को जीवित रखेगा। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में सुदामापुरी गांव में हुआ था। उनके पिता करमचंद और माता पुतलीबाई थी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई, उसके बाद राजकोट में। यहाँ से स्नातक करने के बाद वे वकालत के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से लौटकर आने पर वे भारत में वकालत का कार्य करने लगे, परंतु वकालत में सफल नहीं होने पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, जो गुजरात के व्यापारियों की दक्षिण अफ्रीका में थी, उसके कानूनी कार्यों को करने के लिए गए। वहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद नीति को देखा। भारतीयों और वहाँ के काले लोगों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई, आंदोलन किए, और उन्हीं किए गए आंदोलनों से भारत में भी इनकी खबरें पहुँची, तो इनको भारत के लोगों ने बड़ी आशा भरी नज़रों से देखने आरंभ किया। 1915 में वहाँ से वापस भारत लौट आए, और जिस दिन भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। वर्ष 2003 से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ भारत लौटने पर उन्होंने भारत को और भारत के लोगों को समझा। उसके बाद उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करते हुए आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस का नेतृत्व किया, और इन्हीं के सद प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी ने बहुत सी किताबों की रचना की, जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं थी आत्मकथा, जो मूल रूप में गुजराती में लिखी और इसका अंग्रेजी रूपांतरण था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सावित्री व्रत कथा, गीता पर भी इनके द्वारा टिप्पणी लिखी गई, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास, यह भी इनकी प्रमुख पुस्तक थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जिनमें हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, नवजीवन आदि थे। महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचार। गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन करते समय हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि अहिंसा का जो उनका मूल मंत्र था, वह आगे चल कर के पूरे विश्व में प्रमुख एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। गांधी के अनुसार अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। यद्यपि गांधी अहिंसा के जन्मदाता नहीं थे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में गांधी से पहले अहिंसा का दर्शन दिया हुआ था। उनका मानना था अहिंसा का आदर्श भारतीय उपनिषदों और बुद्ध तथा महावीर के दर्शन में शताब्दियों पहले प्रतिपादित किया गया था। गांधी का योगदान इसमें यह था कि उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को परिमार्जित किया और मानवीय आचार के एक जीवंत नियम के रूप में उसकी पूर्ण व्याख्या की। उनके अनुसार व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदंड है। गांधी ने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया। गांधी ने अहिंसा की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है, जिनका हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले आती है बहादुरों की अहिंसा। गांधी के अनुसार सर्वोच्च अहिंसा का पालन बहादुर व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। बहादुरों की अहिंसा लाचारी अवस्था के कारण नहीं, अहिंसा के प्रति नैतिक अवस्था के कारण अपनाई जाती है। दूसरे प्रकार की अहिंसा है व्यवहारिक अहिंसा। यह अहिंसा की दूसरी श्रेणी है। इस श्रेणी की अहिंसा का अनुसरण अनुयायियों द्वारा एक नीति के रूप में किया जाता है।
तीसरा प्रकार अहिंसा का है कायरों की अहिंसा। अहिंसा का यह निकृष्ट रूप है। गांधी का मत है वास्तव में कायरों की अहिंसा अहिंसा है ही नहीं, यह तो अहिंसा के आवरण में हिंसा ही है। उन्होंने कहा कि शौर्यपूर्ण हिंसा कायरतापूर्ण अहिंसा की तुलना में कम पापमय है। गांधी ने अहिंसा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली विशेषता है अहिंसा मानव स्वभाव का सहज तत्व है, अर्थात मानव के स्वभाव में ही अहिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी विशेषता है अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। इसको इस प्रकार से समझें कि यदि हम किसी को हिंसा के बल पर जीतते हैं या हम उससे अपनी बात ताकत पर मनवाते हैं तो वह जब तक प्रभावशाली रहेगी जब तक हमारे पास हिंसात्मक शक्ति है। जिस दिन हमारी हिंसात्मक शक्ति खत्म होगी सामने वाला हमारे प्रभाव को मानने से इनकार कर देगा। लेकिन यदि हमने अहिंसा के बल पर सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित किया है तो निश्चित रूप से वह सदैव हमारी प्रभाव को स्वीकार करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। तीसरी विशेषता है अहिंसा में सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसमें इसका पालन करने वाले के पास में कोई प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं होते, वह स्वयं के आत्मबल पर चलता है। और अगर अस्त्र शस्त्र हैं तो उनको खोने की या उनके नष्ट होने का डर रहता है, लेकिन इसमें आत्मबल स्वयं का बल है जो कभी क्षीण नहीं होता, निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अहिंसा में सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा के सामाजिक एवं राजनीतिक आयाम, ये इसकी चौथी विशेषता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में भी आपसी व्यवहार में भी अहिंसा का अनुसरण कर सकता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अहिंसा की नीति का अनुसरण करके राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं राजनीतिक में हमारी गतिविधियों और क्रियाकलापों को संचालित किया जा सकता है। पांचवी विशेषता है अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम। यह देखने में आता है क्या राष्ट्रों के द्वारा अहिंसा पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा की जा सकती है। गांधी जी का निश्चित मत था कि अहिंसा के आधार पर राष्ट्रों के बीच में परस्पर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और सभी राष्ट्र यदि ईमानदारी से अहिंसा का पालन करें तो युद्ध का कभी कोई नामो निशान ही लेने वाला नहीं रहेगा। गांधी ने अहिंसा की गांधी के सत्याग्रह संबंधी विचार। सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, लक्ष्य पर दृढ़ रहना। गांधी की मानता है कि सत्य के प्रति आग्रह व्यक्ति को असीम शक्ति से संपन्न कर देता है। उनका मत है अहिंसक साधनों के द्वारा ही सत्य की शक्ति को सर्वाधिक रूप से सक्रिय किया जा सकता है। एक अहिंसक कार्य पद्धति के रूप में सत्याग्रह का अर्थ ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सबके प्रति जागृत प्रेम और सबके लिए कष्ट सहने की तत्परता व्यक्ति की प्रेरणा बन जाए। इस प्रकार सत्याग्रह को आत्मा अथवा प्रेम बल का नाम भी दिया जा सकता है। सत्याग्रह में भौतिक शक्ति के प्रयोग या हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता और ना ही उसके विनाश की कामना करता है। सत्याग्रह के प्रयोगकर्ता के मन में विरोधी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। सत्याग्रह वस्तुतः विरोधी को प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीतने का सुनिश्चित विज्ञान है। सत्याग्रह अपनी सक्रियता के लिए विरोधी की सम्मति पर निर्भर नहीं करता, यह आत्मा की शक्ति के आधार पर क्रियाशील होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह करने वाले के लिए आचरण के कतिपय अनिवार्य नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह हर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। जो इनका पालन कर सकता है वही सत्याग्रही हो सकता है। ये नियम उन्होंने बताए थे, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्थेय अर्थात चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, कायिक श्रम अर्थात शारीरिक श्रम करना, ब्रह्मचर्य अर्थात नियमों का पालन करना, निर्भीकता, निडर हो वही व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है,
कष्ट सहिष्णुता जिसमें कष्ट सहन करने की क्षमता हो, विनम्रता हर स्थिति में विनम्रता का परिचय दे, दसवां अस्पृश्यता का निवारण और ग्यारहवां सब धर्मों के प्रति समान आदर का भाव। इसके अलावा ऐश्वाद भी सत्याग्रह के लिए आवश्यक होता है। सत्याग्रह के साधन या प्रकारों का उल्लेख करते हुए गांधी ने इसके अनेक रूप या साधन बताए हैं, जिनमें पहला है असहयोग, दूसरा हड़ताल, तीसरा बहिष्कार, चौथा धरना, पांचवा सविनय अवज्ञा, छठा उपवास और सातवां हिजरत या प्रव्रजन। पहले को हम देखें तो असहयोग से तात्पर्य है कि भारत में जो शासन संचालित अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से भारतीयों का सहयोग है। यदि भारतीय शासन संचालित करने में अंग्रेजों का सहयोग करने से इनकार कर दें तो भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं रह पाएगा। दूसरा हड़ताल, जितने भी हमारे मिल मजदूर, कारीगर या फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं वो सब अपने कार्य को करने से इनकार कर दें, हड़ताल इसी के रूप में जाना जाता है, ये सत्याग्रह का एक रूप है। बहिष्कार गांधी के द्वारा बताया गया कि बहिष्कार के अंतर्गत हम विदेशी वस्त्रों, विदेशी शिक्षण संस्थाओं, विदेशी दवाओं आदि का प्रयोग करना बंद कर दें तो निश्चित रूप से अंग्रेज जो कि एक व्यापारी जाति है अपने आर्थिक नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगी और वो भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। धरना, जब तक हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता तब तक हम किसी एक स्थान पर बैठ करके अपना विरोध जताते रहें, इसे धरना कहा जाता है। सविनय अवज्ञा, सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो मानवोचित नहीं हैं उन गैर मानवीय कानूनों का सविनय विनम्रतापूर्वक उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा कहलाता है। उपवास, यह सत्याग्रह का सबसे उग्र रूप है। उपवास जिसे अनशन भी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि जब सत्याग्रह के सभी प्रकार विफल हो जाएं तो अंतिम प्रकार के रूप में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें सत्याग्रही के प्राणों का भी अंत हो सकता है। सातवां हिजरत या प्रव्रजन, हिजरत या प्रव्रजन से तात्पर्य है गांधी जी अपने अनुयायियों को यह संदेश देते थे कि यदि किसी स्थान पर सत्य अहिंसा आदि नैतिक नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है तो उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले जाना चाहिए, इसे ही हिजरत या प्रव्रजन के नाम से जाना जाता है। अंत में सत्याग्रह का महत्व, गांधी जी ने स्वीकार किया कि सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्याग्रह किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, यह केवल न्याय सम्मत और उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। गांधी ने कहा, सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की अपेक्षा करना अनुचित है। गांधी ने सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें असफलता की कोई आशंका नहीं होती। उन्हीं के शब्दों में, सत्याग्रह के शब्दकोश में असफलता का शब्द ही नहीं होता। सत्याग्रह एक जीवंत शक्ति है, यह पशु बल पर आत्मबल की विजय है। यह बुराई को भलाई से, घृणा को प्रेम से और अत्याचार को कष्टों के प्रति असहिष्णुता से जीतने का मंत्र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोधी पर सत्याग्रह का प्रभाव भौतिक रूप से नहीं पड़ता अपितु सत्याग्रह की अहिंसक दृढ़ता शत्रु को नैतिक दृष्टि से झकझोर देती है। विरोधी द्वारा दिए गए कष्टों, यातना और हिंसा के मुकाबले सत्याग्रह दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। सत्याग्रही दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है।